धनबाद का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल प्रबंधन इन दिनों परेशान दिख रहा है। परेशानी की वजह है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई का सर्वे। दरअसल एमसीआई की टीम एक बार फिर अस्पताल के जांच के लिए इसी महीने पहुंचेगी। एमसीआई ने पहले ही एसएनएमएमसीएच को नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि अगर मान्यता बचाना है तो सारे मापदंड पूरा करे। एसएनएमएमसीएच डॉक्टर्स और फैकल्टी की मार पहले से झेल रहा है, साथ ही इसी महीने 20 रेसिडेंस डॉक्टर की सेवा समाप्त हो गई है, जिससे ओपीडी सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। इस मुद्दे पर जहां एक तरफ एसएनएमएमसीएच के प्राचार्य सरकार का बचाव कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धनबाद विधायक सरकार को इस मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। फैकल्टी की कमी है और इसके अलावा एक गैलरी टाइप लेक्चर थिएटर की कमी भी है, तो गैलरी टाइप लेक्चर थिएटर के लिए प्रपोजल भी गया था, ओके भी हो गया है और टेंडर के प्रोसेस में है, तो वो भी हो ही जाएगा। और फैकल्टी की कमी की जहाँ तक बात है तो सरकार इसके लिए प्रयासरत है और उम्मीद है कि जल्द ही फैकल्टी की कमी भी दूर हो जाएगी। कि रिम्स में जितने या जहाँ भी जो भी झारखंड में पीजी कर रहे हैं उन लोगों की पोस्टिंग होती है पीजी समाप्त होने के बाद, तो पीजी समाप्त होने का अब रिजल्ट अवेटेड है उन लोगों का। रिजल्ट हमको लगता है 2-3 रोज में आ जाएगा, उसके बाद उन लोगों की पदस्थापना हो जाएगी। कई बार आवाज़ उठाया कि ये एसएनएमएमसीएच पे काफ़ी प्रेशर है, पूरा इलाका संथाल पटना से लेकर के और इधर पूर्वांचल का सारे मरीज यहाँ आते हैं। पहले से बहुत हद तक सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन एमसीआई के द्वारा जो मान्यता होनी चाहिए पूरे पैमाने पर खरा नहीं उतर पा रहा। अभी जैसे लिफ्ट नहीं था तो लिफ्ट में अपने विधायक मंडी से लगवाने का काम कर रहा। लेक्चर थिएटर नहीं है, फैकल्टी की कमी है, ये सारी कमियां हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिर परेशानी होगी। अभी यहाँ के एक ही साथ प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट सब लोग का ट्रांसफ़र हो गया, अब नए जो एमसीआई की टीम आएगी उसमें नए लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ मुझे लगता है कि अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके वो नहीं जवाब दे पाएंगे, लेकिन परेशानी तो है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।